हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि फिन निफ्टी का आज मंडे के दिन का मूवमेंट कैसा था, और उसके बाद बात करेंगे कल वीकली एक्सपायरी के लिए फिन निफ्टी में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो अभी अपन फिन निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और आज एक हमें ओपनिंग देखने को मिली 20,000 के ऊपर, और उसके बाद हमें थोड़ी देर सस्टेन होने के बाद एक हमें पूरे दिन साइडवेज मोमेंटम ही देखने को मिला, कोई भी हमें ट्रेंडिंग मूव देखने को नहीं मिला। अगर मैं आपको एक बॉक्स मार्क करके दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा एक हमें पूरे दिन सिर्फ बॉक्स में ही ट्रेड होते हुए देखने को मिला फिन निफ्टी, कोई भी हमें ट्रेंडिंग मूव देखने को नहीं मिला। एक हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिला था अराउंड 1:25 के आसपास का, और वो हमें एक ब्रेकआउट फेलियर देखने को मिला और वापस इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड होते हुए देखने को मिला है फिर निफ्टी में। तो मंडे के दिन सिर्फ हमें प्रीमियम डीके देखने को मिला है और कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को नहीं मिला है। तो मंडे के दिन तो पूरा साइडवेज मोमेंटम था फिर निफ्टी का, लेकिन कल ट्यूजडे के लिए बहुत अच्छा अपन को सेटअप देखने को मिला, क्योंकि अपन को एक्सपायरी के एक दिन पहले एक हमें साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला है। तो एक्सपायरी के दिन एक हमें ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है, जिस तरफ भी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उस तरफ हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है फिर निफ्टी में। तो ये था मंडे के दिन का मूवमेंट एनालिसिस फिन निफ्टी का। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहां देखेंगे कि कल वीकली एक्सपायरी के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं जिनके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एक हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और जीरो टू हीरो मूवमेंट का भी अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब अपन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अपसाइड का मोमेंटम अपन को कहां देखने को मिल सकता है। अगर अपसाइड में कल के दिन ट्यूजडे के दिन ये वाला लेवल ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है जो कि है 20,077 का लेवल, तो एक हमें ऊपर की मूवमेंट देखने को मिल सकती है फिन निफ्टी में, जिसमें कि अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा पहले ये वाला स्विंग लेवल जो कि है 20,100 के आसपास का, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 20,140 का रहेगा, और अगर इसके ऊपर भी जाता है तो सीधे जो अपना अगला टारगेट बन के आ रहा है जहाँ पे फिर निफ्टी को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो रहेगा फिर ये वाला लेवल जो कि है 20,190 का लेवल, और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ये लेवल जो कि है 20,245, और उसके बाद अपन को यहाँ पे गैप पेंडिंग देखने को मिल रहा है। तो अगर 20,245 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो सीधे फिर अपन को अगला टारगेट ये गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है जो कि अराउंड 20,322 तक की हमें देखने को मिल सकती है, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला लेवल जो कि अराउंड 20,380 के आसपास का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में अगर 20,077 के लेवल को फिन निफ्टी अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो। अब चलिए देखते हैं डाउनसाइड का मोमेंटम अपन को कहाँ देखने को मिल सकता है। डाउनसाइड में अगर ये लेवल ब्रेक करेगा जो कि है 19,970 का लेवल, तो एक हमें यहाँ से डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये वाला लेवल जो कि 19,935 का लेवल, और अगर इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट ये लेवल रहेगा जो कि है 19,850 का लेवल, और अगर इसके नीचे भी जाता है फिर सीधे अपना अगला टारगेट रहेगा ये लेवल जो कि 19,790 का लेवल, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा डाउनसाइड में 19,730 तक का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउनसाइड में अगर फिन निफ्टी 19,970 को डाउनसाइड में ब्रेकडाउन करता है तो। अगर फिन निफ्टी इस रेंज में ही ट्रेड करे तो यहाँ पे अगर अपन ट्रेड नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन को साइडवेज मोमेंटम और आज जैसा ही मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और अगर कल एक्सपायरी के दिन आज जैसा मोमेंटम हुआ तो अपन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रीमियम डिके भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इस जोन में अपन ट्रेड नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और किसी डायरेक्शनल या ट्रेंडिंग मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे जो कि है 20,077 का लेवल अपसाइड में, और डाउनसाइड में अगर 19,970 का लेवल ब्रेकडाउन करता है तो क्योंकि हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे फिर निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंडलाइन बन के आ रही है क्या, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे कल एक्सपायरी के लिए। डाउनसाइड में अगर अपन ये वाले पॉइंट से एक अपन ट्रेंडलाइन बनाना चाहें तो यहाँ पे एक अपन को ये वाली ट्रेंडलाइन बनते हुए देखने को मिल रही है, और एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडलाइन देखने को मिल रही है, क्योंकि जब भी आज मंडे के दिन जब भी फिन निफ्टी इस ट्रेंडलाइन के पास आए हमेशा यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है। तो अगर कल के दिन ये ट्रेंडलाइन ब्रेकडाउन करती है और साथ साथ 19,970 का लेवल भी ब्रेकडाउन होता है फिन निफ्टी में तो ही हमें एक डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब चलिए देखते हैं अपसाइड की भी कोई ट्रेंडलाइन बन के आ रही है क्या, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करते हैं। अगर अपन इस पॉइंट से एक ट्रेंडलाइन मार्क करें और ऐसे अगर अपन एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पे भी एक अपन को ट्रेंडलाइन बनते हुए देखने को मिल रही है अपसाइड में, तो ये भी एक अच्छी ट्रेंडलाइन है। अगर इस ट्रेंडलाइन के साथ साथ 20,077 का भी लेवल ब्रेकआउट होगा तो एक हमें डबल कन्फर्मेशन देखने को मिलेगी और एक हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट ट्रेंडलाइन को आप ज़रूर अपने चार्ट पे मार्क करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा, और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंडलाइंस और एजुकेशनल ट्रेड पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें।
और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।